हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, सबसे पहले जो है हम क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन यहाँ पे दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका है यहाँ पे कि जो क्रिस्टल है उनका शेप किस तरह का है, किस बेसिस पे होगा पहला क्लासिफिकेशन, कि जो क्रिस्टल है उनका शेप किस तरह का है और जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है उनके बीच में बॉन्ड एंगल किस तरीके का है, बॉन्ड एंगल क्या है। ठीक है, तो शेप और कॉन्स्टेंट पार्टिकल के बीच में बॉन्ड एंगल के बेसिस पे हम यहाँ पे क्रिस्टल को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले शेप और बॉन्ड एंगल के बेसिस पे हम क्रिस्टल को यहाँ पे सात तरीके या सात टाइप के क्रिस्टल में बांटते हैं, जैसे कि लिख रखा है क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये सात तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, राइट। अब क्यूबिक तो हमने पढ़ लिया है, क्यूबिक में हमने डिटेल में पढ़ा है लास्ट जो वीडियो हमने देखा था उसमें कि क्यूबिक किस तरह से होता है। यहाँ पे उसमें हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक की प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, उसमें फिर फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड जो लैटिस है, यूनिट लैटिस है, उसको भी देखा था। ठीक है, आगे डिटेल में देखेंगे किस तरह से होता है। तो बेसिकली यहाँ पे सात तरीके में जो पहला है क्यूबिक, उसमें क्या कहते हैं हम कि इनका जो मैं आपको टेबल के साथ बताती हूँ स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देख लो। देखो क्यूबिक, क्यूबिक में जो इनका जो हमने लास्ट वीडियो में सिक्स पैरामीटर्स डिसाइड किए थे वो यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, ए बी सी जो हमारे एज थे, एज की लेंथ, और अल्फा बीटा गामा जो एंगल्स थे, राइट, वो यहाँ पे यूज होंगे। तो फर्स्ट टाइप जो है क्यूबिक, क्यूबिक जो है यहाँ पे तीन टाइप की होती है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। ओके, क्यूबिक का बेसिकली जो ए बी सी होता है वो बराबर होता है, क्यूबिक का ए बी सी यानी कि तीनों एज जो होती है वह बराबर होती है, जैसे कि यहाँ पे इसमें दिख रहा होगा ये ए एज है, ठीक है, ये आपकी बी एज है और ये आपकी सी एज है, राइट। ये जो है वो क्या होती है, बराबर होती है क्यूबिक के केस में। ओके, और साथ ही ये जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा और गामा, सॉरी ये अल्फा है, ये बीटा है और ये जो गामा एंगल है वो क्यूबिक के केस में 90 डिग्री होते हैं। तो अल्फा बीटा गामा जो है तीनों एंगल यहाँ पे बराबर होंगे और साथ ही क्या होंगे, ये 90 डिग्री एंगल पे होंगे। ओके, एग्जांपल के रूप में ऐसी स्ट्रक्चर किसकी होती है, NaCl की होती है, जिंक की होती है। जिंक भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, तो जिंक ब्लेंड की जो है स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। ओके, तो यहाँ पे हम कहेंगे, और हाँ बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर किसकी होती है, यहाँ पे बॉडी सेंटर होती है कॉपर की, तो ये भी क्या है, क्यूबिक का ही पार्ट है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये प्रिमिटिव है, ये बॉडी सेंटर है और ये फेस सेंटर है। ठीक है, तो ये सारे की सारे स्ट्रक्चर क्या है, ये क्यूबिक का ही पार्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे सेकेंड किस तरह का है, ये टेट्रागोनल। आपको याद करना हो सिंपल सा, तो क्यूबिक में से क्या करते हो आप टेट्रागोनल कैसे बना सकते हो, ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस, इसको बस यहां से पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको टेट्रागोनल मिल जाएगा, टेट्रागोनल क्रिस्टल यूनिट लैटिस मिल जाएगा, क्लियर। तो अब टेट्रागोनल में क्या होता है, इनकी एज और एंगल, तो वहां देखो टेट्रागोनल में जो ए और बी होता है एज वो तो सेम होता है पर बी सी के सेम नहीं होता है, जैसे कि आपको दिखेगा यहाँ पे ए एज और बी एज तो सेम होता है पर क्योंकि आपने ऊपर खींच लिया था तो ये लेंथ जो है वो बढ़ गई है, अब ये जो लेंथ है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ए बी के बराबर है पर ये सी के बराबर नहीं है, सी लेंथ अब बढ़ गई है। ओके, तो ये होता है एच का केस टेट्रागोनल में। इसके साथ ही एंगल में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, जैसे क्यूबिक में होता है एंगल, बिल्कुल वैसा ही एंगल यहाँ पे भी होते हैं सबके बीच में, यानी कि अल्फा बीटा गामा एंगल जो है यहाँ पे वो 90 डिग्री ही रहेंगे, बीटा एंगल, अल्फा एंगल,
और ये गामा एंगल ये 90 डिग्री ही रहते हैं यहाँ पे। ओके, अब थर्ड टाइप का जो है, हाँ एग्जाम्पल देख लो आप यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या है, वाइट टीन में जो है टेट्रागोनल टाइप का यूनिट लैटिस होता है, इसके बाद SnO2 में भी इस तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, इसके बाद जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट में आपको इस तरह की जो क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल जो है वो देखने को मिलती है। टेट्रागोनल से आप आगे जो है वो प्रिमिटिव, जो कि नॉर्मल प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ही बता रखिए, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कैसी है, स्टार्टिंग में प्रिमिटिव ही है, ठीक है। तो एक तो प्रिमिटिव टाइप की होती है टेट्रागोनल, और दूसरा जो है वो बॉडी सेंटर होता है, यानी कि ये जो इसका बॉडी है बिल्कुल इसके बीच में जाके एक एटम लग जाएगा, ठीक है। तो टेट्रागोनल दो तरीके का ही हो सकता है, यहाँ पे प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर, यहाँ पे फेस सेंटर आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो टेट्रागोनल दो तरह की यूनिट लैटिस का फॉर्मेशन करता है, राइट। ओके, नाउ ऑर्थोरोम्बिक, देखो स्टार्टिंग में क्या किया आपने, क्यूबिक को ऊपर से खींच लिया, ठीक है, तो आपका टेट्रागोनल मिल गया। अब क्या है, या तो ये जो सामने वाला सरफेस है ना, ये वाला, इस वाले सरफेस को यहां से पकड़ के खींच लो आगे की तरफ, ठीक है, या फिर क्या करो कि जो इसके पीछे बिल्कुल इसके ऑपोजिट वाला होगा सरफेस, ठीक है, वहां से उसको पकड़ के पीछे की तरफ खींचो, तो क्या मिलेगा आपको, रोम्बिक सल्फर मिले, ऑर्थोरोम्बिक जो है यूनिट सेल मिलेगा यहाँ पे, क्लियर। तो इस तरह से जो मिलेगा आपको वो ऑर्थोरोम्बिक होगा, और यहाँ पे एज क्या होगी, ए बी सी यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक तो देखो क्यूबिक से तो डिफरेंटली हो जाएगी, यहाँ पे एक तो आपने ऊपर की तरफ खींच लिया था जिससे टेट्रागोनल मिल गया था, अब आपने पीछे की तरफ खींच लिया जिससे ये सी वाला भी चेंज हो गया और ये बी वाला लेंथ भी चेंज हो गया, तो अब जो है ए बिल्कुल बराबर नहीं है बी के और बी भी बराबर नहीं है सी के, तो ऑर्थोरोम्बिक के केस में आपको यही देखने को मिलता है। देखो ऑर्थोरोम्बिक के केस में ए बराबर नहीं है बी के और बी बराबर नहीं है सी के, क्योंकि यहाँ पे जो ये तीनों एजेस है वो अलग हो चुकी है, इनकी लेंथ अब सेम नहीं है, ये और ये इनकी लेंथ अब सेम नहीं है, साथ ही इनका जो एंगल होगा बीच का वो अब भी सेम रहेगा, हमने एंगल चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ लेंथ चेंज की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल सेम रहेगा 90 सब में, ठीक है, तो बिल्कुल क्यूबिक की तरह ही इसमें अल्फा बीटा गामा सेम होंगे, जो कि किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे, क्लियर। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका, रोम्बिक सल्फर जो है इसका एग्जाम्पल है, इसके अलावा KNO3 और बेरियम सल्फेट में भी ऑर्थोरोम्बिक टाइप के यूनिट सेल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक टाइप के यूनिट सेल मिलके एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ऑर्थोरोम्बिक में और जो है वो किस तरह की यूनिट सेल्स पाई जाती है, तो ऑर्थोरोम्बिक आपको प्रिमिटिव टाइप की भी देगा, जो कि हमने बेसिकली अभी स्टार्टिंग में देखी, ये सारी प्रिमिटिव है। ओके, दूसरा है बॉडी सेंटर भी देगा, बिल्कुल बॉडी के बीच में जाके एक हमारा कॉन्स्टेंट पार्टिकल बैठ जाएगा, इसके अलावा फेस सेंटर भी देगा, फेस सेंटर किस तरह से होता है मैंने बता ही दिया था लास्ट वीडियो में, इसके अलावा एंड सेंटर भी देगा, ऑर्थोरोम्बिक जो है एंड सेंटर यूनिट सेल भी रखता है, रख सकता है। ओके, तो एंड सेंटर किस तरह का यूनिट सेल होता है वो भी मैंने बता दिया था, कि बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट सरफेस पर एक एक एटम लग जाए, कॉर्नर पर तो है ही यार, और सरफेस पर या फिर फेस पर, ऑपोजिट फेस पर, सेम ऑपोजिट फेस पर एक एक एटम लग जाए तो हम कहेंगे वो एंड सेंटर यूनिट सेल है, राइट। तो यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक जो है वो चार तरह की यूनिट सेल देता है। नेक्स्ट जो है हेक्सागोनल, नेक्स्ट यहाँ पे है हेक्सागोनल टाइप। अब हेक्सागोनल में देखना पड़ेगा आपको, ये बिल्कुल हेक्सागोनल टाइप होती है, अब ऊपर से देखने पर ये तो बीच में से आपको शो करने के लिए अच्छे से दिखाया गया है, ठीक है, पर ये बिल्कुल ऊपर से जो है बेंजीन की तरह आपको दिखता है, बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन की तरह दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट करके बताया गया है कि किस तरह से इसके बीच में एंगल होता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो ए बी और सी होता है वो किस तरह से चेंज होता है। ओके, तो यहाँ देखो ए और बी यहाँ पे सेम रहेगा, जो ए एज है
और जो बी एज है वो यहाँ पे रहता है सेम, पर ये जो सी एज है ये होता है डिफरेंट. ऑब्वियसली बात है इतनी लंबी एज तो ये होता है डिफरेंट. इसके अलावा यहाँ पे जो अल्फा सॉरी हाँ अल्फा और जो बीटा एंगल होता है 90. क्या होता है 90 डिग्री के बराबर. अल्फा और बीटा एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर होता है, जबकि गामा एंगल जो है वो किसके बराबर होता है 120 के बराबर. तो यहाँ पे एज तो हो गया ये, और अल्फा और बीटा 90 के बराबर और गामा जो है वो 120 के बराबर होता है. ये वाला जो एंगल होगा ये 120 के बराबर होगा, ये एक दूसरे के 90 पे नहीं है, पर ये जो है वो एक दूसरे के 90 पे है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि अल्फा और बीटा तो 90 पे होता है जबकि गामा जो है वो 120 पे होता है. तो यहाँ पे यही देगा, और हेक्सागोनल जो है वो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ही देगा, कोई बॉडी सेंटर नहीं, कोई फेस सेंटर नहीं, कोई एंड सेंटर नहीं, राइट. तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे. और जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है बेसिकली वो हेक्सागोनल टाइप की होती है, और जेरेनो सीडीएस भी जो है हेक्सागोनल टाइप के क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं. हेक्सागोनल टाइप के यूनिट सेल को यूज करते हुए क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल. रोम्बोहेड्रल भी कह सकते हैं आप इसे, ट्राइगोनल भी कह सकते हैं. ओके, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, यहाँ पे भी कोई दूसरे तरह की एंड सेंटर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर नहीं मिलेगी. तो रोम्बोहेड्रल की बेसिकली स्ट्रक्चर जो है वो ये होती है. यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका ए बी सी यानी कि एजेस तो सेम होती है, एजेस की लेंथ तो सेम होती है, पर यहाँ पे बॉन्ड जो है वो 90 के बराबर नहीं होता, बॉन्ड यहाँ पे डिफरेंट होता है. और जितना भी होगा ऐसा फिक्स नहीं है, जितना भी होगा चाहे 120 है, 145 है, 60 है, जितना भी होगा होगा सबका बराबर, अल्फा बीटा गामा सबका एंगल बराबर होगा, पर हाँ वो 90 नहीं होगा. ठीक है, तो इस तरह के जो यूनिट लैटिस होगा उसे हम कहेंगे रोम्बोहेड्रल या ट्रायगोनल, राइट. जो कैल्साइट्स होती है, ठीक है, एचजीएस, सिनेवर्ट, ठीक है, ये सारे के सारे जो रोम्बोहेड्रल टाइप के यूनिट सेल लगते हैं और एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, राइट. नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव होती है वो इस तरह की दिखती है. यहाँ पे भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इनकी भी एज जो है वो सेम नहीं होती. ये ए है, ये बी है और ये सी है, इनकी भी एज जो है वो सेम नहीं होती है. ओके, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो अल्फा और गामा बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री होता है, पर बीटा जो है वो 120 नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे अल्फा और गामा 90 डिग्री होता है और बीटा 120 नहीं होता. क्लियर. चलो, इसका जो एग्जांपल है वो है मोनोक्लिनिक सल्फर. हमेशा मोनोक्लिनिक टाइप के क्रिस्टल बनाता है. ओके, और Na2SO4 ये भी जो है वो मोनोक्लिनिक टाइप के ही क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है. ओके, नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक. हाँ, मोनोक्लिनिक जो है वो दो तरह की आप देखेंगे यहाँ पर क्या यूनिट सेल दे सकता है, एक तो प्रिमिटिव जो सामने दिख रही है, और दूसरा जो है क्या दे सकता है एंड सेंटर, यानी कि ये जो मोनोक्लिनिक है ना यहाँ पे या तो इस सरफेस पे, इसके नीचे वाले सरफेस पे एक एक जो है वो पार्टिकल, कॉन्स्टेंट पार्टिकल और लगा हुआ होगा. ओके, तो इस तरह से दो तरह की जो है यहाँ पे ये यूनिट है दे सकता है. क्लियर. नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक, जिसमें ओनली प्रिमिटिव स्ट्रक्चर मिलेगी आपको, और इसमें ए बी सी यानी कि सारे की सारी एजेस जो है यहाँ पर वो सेम नहीं होगी, वो एक दूसरे से लेंथ में बिल्कुल डिफरेंट होगी. साथ ही अल्फा बीटा गामा उनका जो भी एंगल होगा वो अलग अलग होगा तीनों का, और वो 90 डिग्री के बराबर तो नहीं होगा. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है इसका सिंपल मतलब है कि अल्फा का जो भी एंगल है वो बीटा के बराबर नहीं है, बीटा का जो भी एंगल है वो गामा के बराबर नहीं है, और किसी का भी एंगल 90 डिग्री तो होगा नहीं, कुछ भी होगा पर 90 नहीं होगा. ठीक है,
तो इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट। एग्जाम्पल देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कहेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है यहाँ पे वो ट्राइक्लिनिक टाइप के क्रिस्टल बनाता है। इसके बाद जो कॉपर सल्फेट है और बोरिक एसिड है, ठीक है, ये सारे जो है वो ट्राइक्लिनिक टाइप के क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब ये तो हो गई बेसिक से यूनिट सेल सारी की सारी, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, जो हमने 7 तरह की यूनिट सेल देखी है सारी, अब इन्हीं में जो है आप यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो आपको ओवरऑल मिलेगी यहाँ पे 14। ओवरऑल जब आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे 14, ठीक है। तो ये जो 14 है ये क्या है, ये आपकी ब्रेवियस यूनिट सेल है जिनके बेस क्या है यहाँ पे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये तो आपका बेसिक है प्रिमिटिव, और इनके बेसिस पे आगे इस तरह की ब्रेवियस यूनिट मिलती है। क्यूबिक के लिए ये 3 बनेगी, ठीक है, फिर टेट्रागोनल के लिए 2 तरह की जो हमने अभी देखी, फिर यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक के लिए 4 तरह की बनती है, एंड भी बनती है, बॉडी भी बनती है, फेस सेंटर भी बनती है। इसके अलावा जो है मोनोक्लिनिक के लिए यहाँ पे 2 तरह की बनती है, ओके, और हेक्सागोनल के लिए यहाँ पे, हेक्सागोनल के लिए तो प्रिमिटिव ही रहेगी, कुछ नया नहीं बनेगा, हेक्सागोनल के लिए प्रिमिटिव रहेगी। इसके अलावा जो है रोम्बोहेड्रल के लिए भी प्रिमिटिव ही रहेगी और ट्राइक्लिनिक के लिए भी प्रिमिटिव ही रहेगी। तो ये इस तरह से 14 ब्रेवियस यूनिट्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, क्लियर। तो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड बॉन्ड एंगल। ओके, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टल्स का वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो पार्टिकल के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, वो बॉन्ड किस तरह के हैं, उनका नेचर किस तरह का है, उनके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये क्रिस्टल किस तरह के है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। वैसे हम सॉलिड्स को ही, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को ही हम जो है वो प्योर सॉलिड कहते हैं, एक्चुअल सॉलिड कहते हैं, रियल सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सॉलिड लिखा हुआ है, सिंपल सा मतलब है कि हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड के नेचर के आधार पर हम कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है वो 3 टाइप के होंगे। एक तो होगा नॉन पोलर, दूसरा होगा पोलर और तीसरा होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डेड पढ़े हैं हमने बहुत सारे, राइट। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में, वो जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट पार्टिकल हमने क्या कहा, एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो है बेसिकली मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं, और इन कॉन्स्टेंट पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड बने होते हैं वो लंदन फोर्सेस लगते हैं। 2 एटम या फिर यहाँ मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, लंदन फोर्स काम करता है, ठीक है। किस तरह के होते हैं, यहाँ देखो आर्गन आपकी एक गैस है, ठीक है, उनके बीच में जो है मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आर्गन एक एग्जांपल है इसका मॉलिक्यूलर सॉलिड का। इसके अलावा जो है CCl4 भी एक एग्जांपल है मॉलिक्यूलर सॉलिड का, जिनमें लंदन बल जो है वो काम करते हैं। ओके, ये सॉफ्ट होते हैं, फिजिकल नेचर कैसा होता है इनका, ये सॉफ्ट होते हैं, साथ ही ये इंसुलेटर होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोलर भी होते हैं, पोलर टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं जिनके बीच में जो बॉन्ड है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से होता है, जैसे कि HCl है, SO2 है, ठीक है, ये भी नेचर में सॉफ्ट होते हैं। इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह में ये यूजफुल नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर सकते ये। ओके, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, बहुत कम भी नहीं होता है पर हाँ कम होता है। ओके, इसके अलावा जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड, जिनमें हाइड्रोजन टाइप की बॉन्डिंग होगी, जैसे H2O जो आइस फॉर्म में है, हार्ड होते हैं ये, इंसुलेटर होंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। इसके साथ ही सेकेंड जो है वो आयनिक सॉलिड,
ओके आयनिक सॉलिड में क्या है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे यहाँ पे, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे आयन्स। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मतलब कि उस क्रिस्टल में हिस्सा लेने वाले कण, ठीक है। ओके नाउ इनके बीच में किस तरह का बॉन्ड होता है, तो इनके बीच में आयन्स के बीच में हम पढ़ता है, कॉमन सेंस है, ओके बेसिक नॉलेज होना चाहिए इतना कि आयन्स के बीच में कोलाम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स लगते हैं, जिस वजह से ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं, बॉन्ड बने होते हैं, ठीक है। NaCl में कोलाम्बिक इंटरेक्शन होता है, MgO, ZnS, CaF2, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और नेचर में जो फिजिकल नेचर है इनका, वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। हार्ड तो होते हैं, कठोर तो होते हैं, पर भंगुर होते हैं, ठीक है। जैसे कोयला वगैरह हो गया, किस तरह से टूटते हैं, भंगुर होते हैं, उसी तरीके से ये भी टूटते हैं, ओके। नेचर में कैसे होंगे, नेचर में इंसुलेटर होंगे इन सॉलिड स्टेट। जब ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, उस केस में ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर सकते, ओके। बट गलित अवस्था में या मॉल्टन स्टेट में, गलित खुद गलित अवस्था में, या फिर इन्हें किसी इनका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाए, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकते हैं, करंट का प्रवाह ये कर सकते हैं। तो ये सॉलिड फेज में इंसुलेटर होते हैं, मॉल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। थर्ड टाइप है यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड जो है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड में पॉजिटिव आयन्स इन सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। किस तरह से देखो, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होते हैं, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन के सी में, ये जैसे इलेक्ट्रॉन का सी है, एक समुद्र इलेक्ट्रॉन के समुद्र में जैसे कोई पॉजिटिव आयन हो गया है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल को अगर एक्सप्लेन करना हो मेटेलिक सॉलिड में, तो हम कहेंगे पॉजिटिव आयन है ना, सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ओके। बॉन्ड किस तरह का होता है, यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो हम कहेंगे मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि जो आयरन है, कॉपर है, Ag है, Mg है, ये सारे के सारे मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं। इसके बाद जो है ये फिजिकल नेचर क्या होता है, हार्ड होते हैं, मिलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, ठीक है। आप याद होगा, आपको आपको बताओगे कि क्या करते हैं, आप लोहे को पीटेंगे तो वो कोई टूटता नहीं है, ठीक है, आघात वर्धनीय होता है, वो फैलते हैं चोट करने पर। तो इस तरह से हार्ड होते हैं पर मिलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, ठीक है, तन्य होते हैं। डक्टाइल मतलब तन्य होते हैं, तन्य होते हैं और आघात वर्धनीय, ठीक है, मिलिएबल आघात वर्धनीय होते हैं, ओके। नाउ कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट। जैसे कि हमने आयनिक सॉलिड देखा, तो वो तो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में जो है करंट कैरी नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर सकते, पर जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं और गलित अवस्था में भी इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है, फिर भी अभी एक्सट्रीम लेवल नहीं आया है, फेयरली हाई होता है। नाउ फोर्थ टाइप है यहाँ पे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट कहा है तो बेसिकली एटम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बनते हैं, उस वजह से जो है वो क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होगा। तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल यहाँ पे एटम्स होंगे, एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा यानी सहसंयोजक बंध होगा। एग्जाम्पल के रूप में जो क्वार्ट्स है, डायमंड्स है, ग्रेफाइट है, सारे किस तरह के हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, ओके। नेचर में अगर कहें तो जो ये क्वार्ट है वो हार्ड होता है, डायमंड भी हार्ड होता है, पर ग्रेफाइट हमारा सॉफ्ट होता है, फिर भी ये क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है। इसके बाद क्वार्ट्स और डायमंड जो है वो इंसुलेटर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर सकते, जबकि ये ग्रेफाइट है वो कंडक्टर होता है, जो कि एक अपवाद है, ठीक है, हिसाब से मतलब सिस्टमेटिक तरीके से सोचे तो इसको भी इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करनी चाहिए, पर ये एक एक्सेप्शन है और उसके पीछे एक साइंस है, ऐसा नहीं है अपवाद है तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, वो हमारे काम की नहीं है फिलहाल, तो हम उसे यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन, ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है, ओके। साथ ही
ये जो भी है सब्सटेंस कोवेलेंट सॉलिड्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, मेटेलिक सॉलिड्स से भी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे सॉलिड्स, या फिर आप इन्हें कहते हैं क्रिस्टल। ओके, तो ये किस बेसिस पे थे कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कुछ भी है, आयन एटम मॉलिक्यूल, उनके बीच में किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, उस बेसिस पे चार तरह के यहाँ पे क्रिस्टल को क्लासिफाई किया गया है, चार तरह के क्रिस्टल्स में क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है।